सूर्या टूरिज्म टिप्स में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि साथियों आप लोग सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैं। साथियों थर्ड वेव जो भ्रमित किया था बहुत सारे लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के अंदर वैक्सीनेशन हो रहा है, इंडिया में भी वैक्सीनेशन हो रहा है, तो थर्ड वेव की संभावना बहुत कम है। केसेस बढ़ सकते हैं लेकिन पहले की तरह लॉकडाउन लगने की संभावना बहुत कम है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि आपको कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या हो रहा है ऐसी आपको नोटिफिकेशन मिलती रही। अब बात करते हैं साथियों आज साउथ कोरिया के बारे में कि साउथ कोरिया के टूरिस्ट वीज़ा का लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, वहाँ के वर्क वीज़ा के क्या अपडेट्स हैं, स्टडी वीज़ा के क्या अपडेट्स हैं और वहाँ का D3D कैटेगरी वीज़ा जो है वो ओपन हो गया है, उसकी अभी क्या अपडेट्स है मैं इसके वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना ताकि साथियों आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप अपना कीमती टाइम दे रहे हो उसका सदुपयोग कर सके। चलो साथियों अब बात करते हैं साउथ कोरिया में। साथियों साउथ कोरिया एक ऐसा टाइम था कि चाइना के बाद वुहान जो सिटी थी उसके बाद सबसे ज़्यादा एक टाइम था कोरिया के अंदर बहुत सारे केसेज आ रहे थे। जब तक इंडिया में तो उस टाइम कोविड आया भी नहीं था तो उस टाइम वहाँ पे केसेज आ रहे थे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से सतर्कता बरती, बहुत अच्छे से जो है कोविड को कंट्रोल किया और जब तक इंडिया और दूसरे देशों में फैला जब तक वहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका था। तो कोरोना वहाँ पे कंट्रोल था लेकिन आपको पता है कोई भी देश उस टाइम नहीं चाह रहा था कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन रखें और ज़्यादा फैले, तो तब से लेके अब तक जो है इंटरनेशनल बॉर्डर उन्होंने बंद कर रखे थे। टूरिस्ट वीज़ा के लिए तो स्पेशली उन्होंने बंद कर रखे थे और टूरिस्ट वीज़ा उन्होंने अभी भी ओपन नहीं किया है। सिलेक्टेड कंट्रीज ही हैं उन्हीं के लिए उन्होंने ओपन किया है, इंडियंस के लिए अभी साउथ कोरिया ने टूरिस्ट वीज़ा ओपन नहीं किया है। लेकिन दिसंबर एंड तक पूरी संभावना है साथियों, क्योंकि थर्ड वेव बोल रहे थे जुलाई में आ जाएगी, अगस्त में आ जाएगी, लेकिन अभी सेप्टेम्बर चल रहा है, अक्टूबर और नवम्बर तक सारा पता चल जाएगा। अगर नॉर्मल जिस हिसाब से अभी हालात चल रहे हैं उसी हिसाब से चलता रहा तो दिसंबर के अंदर साउथ कोरिया जो है अपने इंटरनेशनल बॉर्डर टूरिस्ट के लिए ओपन कर देगी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हर एक कंट्री में डे बाई डे जो है वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो ये पूरी संभावना है कि दिसंबर तक साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि D3 और D10 वीज़ा है क्या। साथियों मैं आपको बता दूँ D3 जो कैटेगरी का जो साउथ कोरिया का वीज़ा है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए वीज़ा लगता है। साथियों आप कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, भले आप ITI कर रहे हो, पॉलिटेक्निकल कर रहे हो, BTEC कर रहे हो या फिर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, MBA कर रहे हो, MBBS कर रहे हो, बहुत सारी जितनी भी प्रोफेशनल डिग्री जो हैं जो आप कर रहे हो उनके बाद अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं जिसको शॉर्ट भाषा में IT बोलते हैं, IT अलग चीज़ भी होती है, IT इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को भी शॉर्टकट में IT ही बोलते हैं, तो IT के लिए जो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो ये D3 वीज़ा जो है ये 6 मंथ और 12 मंथ का लगता है साथियों। तो बहुत सारे लोग इस वीज़ा के ऊपर जाते हैं। तो साउथ कोरिया ने D3 वीज़ा जो है अभी ओपन किया हुआ है, किसी भाई को ट्रेनिंग पर्पज से जाना है तो डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ये वीज़ा हमारे पास अवेलेबल है। तो आप वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि D10 वीज़ा क्या है। साथियों D10 वीज़ा जो है वो साउथ कोरिया जो है जॉब सर्च करने वाले लोगों को प्रोवाइड करवाता है, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है, कोई कारणवश उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वर्क वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया था, कंपनी हज़ार झंझट होते हैं वीज़ा प्रोसेस में तो कारणवश हो जाता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है कि आपके अंदर टैलेंटेड है, आप अच्छी स्किल्स है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप हमारी कंट्री में काम करने लायक हो तो डेफिनेटली हम आपको जॉब सीकर वीज़ा देंगे, आप जॉब सीकर वीज़ा लेके आइए, ये 1 साल का मिलता है साथियों और आप हमारी कंट्री में रहिए और यहाँ पर जॉब सर्च कीजिए और आप जॉब मिल जाएगी। तो ये वीज़ा इसके अंदर कोटा वगैरह का कोई सीन नहीं होता है, ये हर साल एक लिमिटेड होता है कि भाई ये इतने इस कंट्री के लोगों को इतना मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जिन भाइयों ने जिनकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुकी है और साउथ कोरिया जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो D10 वीज़ा लेके डेफिनेटली जा सकते हैं, D3 लेके भी जा सकते हैं, ये दोनों कैटेगरी के वीज़ा हमारे पास अवेलेबल हैं साथियों, डेफिनेटली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करता हूँ स्टूडेंट वीज़ा का, वहाँ पे अभी क्या अपडेट है साथियों। स्टूडेंट वीज़ा का ये है कि
अभी जो VFS है इंडिया के अंदर वो बहुत कम फाइल्स ले रही हैं। दूसरी कंट्रीज़ की भी बात करूँ तो वहाँ भी बहुत कम ले रही हैं, क्योंकि सीजन जो है प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो जो जुलाई और अगस्त के इनटेक थे, जो सेशन स्टार्ट करने थे, कॉलेज स्टार्ट करने थे, उनके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके लिए जनवरी और फरवरी का टाइम दे दिया है कि आप जनवरी और फरवरी में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जो ये दो कैटेगरी के वीज़े हैं D3 D10, ये दोनों ओपन हैं और हमारे पास अवेलेबल है। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं साथियों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप मेरे नंबर हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बेस्ट रेट में आपको हर तरीके की हेल्प मिल जाएगी। अगर किसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार के भी आपको वीज़ा से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साउथ कोरिया के बारे में लेटेस्ट यही अपडेट था जाती हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।